हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस, ये व्लॉग बड़े दिनों बाद आ रहा है, मतलब शूट कर रहा हूँ बड़े दिनों बाद, और बस थोड़ा रीजन था काम का, इसीलिए शूट नहीं कर पा रहा था। और गाइस, ये व्लॉग सीधा आज मैं लुधियाना से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम आए नकोदर आज मेला है बाबा जी का। गाइस, मेरे साथ है पुनीत जी, हमारे चिंटू भाई, और हमारे साथ है रजत भी। तो गाइज, आप सोच रहे हैं लुधियाना से मैं कैसे शूट कर रहा हूँ, घर मैंने क्यों नहीं करा। गाइज, लेट हो गए थे हम, निकले हैं घर से 10 बजे निकले थे और यहाँ पहुँचे हैं सुबह 5 बजे, इसीलिए हम सीधा आके सो गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि लुधियाना से सीधा व्लॉग स्टार्ट कर दूंगा। गाइज, अभी चलेंगे हम, बस तैयार हो रहे हैं, नकोदर चलेंगे और वहाँ दिखाएँगे आज आपको मेला लगा हुआ है, मतलब सिंगर होता आएंगे आज वहाँ पर। चलो गाइज, मिलते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, बाय। गाइज, तो होटल से निकल चुके थे तैयार तूर हो गए, और ये हमारे भाई साहब रजत जी, हेलो, और हमारे पुनीत जी, चिराग जी। गाइज, तो अभी चलते हैं खाना खाने, लेट हो चुके हैं और टाइम हो चुका है अभी 12 बज गए हैं। तो गाइज अभी, और मौसम देखो कितना अच्छा हुआ है, और तो गाइज अभी पहले कुछ खा लेते हैं, अभी चलते हैं। गाइस, तो खाने के लिए और अभी करते हैं यहाँ पे ऑर्डर। ये बैठे दोनों भाई, क्या मंगाया? दही दिलाने, एक दही और चाय, तो दो चाय, पराठे क्या हो? हरी मिर्च, हरी मिर्च, गाइस पराठे आ चुके हैं, आलू के, दही, खा के करते हैं बात। गाइस, तो खाना खा चुके हैं और अभी चलते हैं नकोदर। क्यों खोल दी? आपको क्या लगाओगे? ये रात को करने के लिए एड्रेस लगाओगे ना? बाकी मौसम देखो आप, पिछली बार आए थे तब भी बारिश थी और अब की बार भी बारिश मिली है। चलो चलते हैं। हरिओम साई वैष्णो ढाबा, चलो। भाई चलो बैठते हैं, क्या लगा रहे हो आप? सीरम? चलो आपने लगाना। गाइस, तो नकोदर पहुंच चुके हैं और बाकी मैंने चश्मे नवे लिए थे, अब चश्मे देखो। रजत कहाँ पहुंच गए? रजत नकोदर पहुंच गए हम, नकोदर पहुंच गए हैं। किस तरह जाना सीधा? गाइस भीड़ बहुत है, भीड़ देखना अभी, मतलब जाम लगा हुआ है और पार्किंग तो रास्ता तो नहीं हुआ, फुल है सारी जगह। रास्ता देखना पड़ेगा यार यहां से, तो किधर से जाम आ गए हैं, इसमें पिछले गाड़ियां, हां इधर भी जा रही हैं, अभी साइड जा रही, भीड़ है बहुत ज्यादा ना, पार्किंग का मसला है बस। गाइस, दोनों को उधर आ चुके हैं और अभी भीड़ देखो अब कितनी है, कहाँ है भीड़, भीड़ है कहाँ, कहाँ है भीड़, कहाँ है महंगाई? मैं तो कहूँ और महंगाई होनी चाहिए। सेवादार लगे हुए हैं, एक हजार छप्पन भीड़, आपको जाम दिखाते हैं, पहले कह रहा था 1800 का था, तो अब 1056 का हो गया, 800 का था, अब वही मैं कह रहा था, बड़े आड़ा होगा। तो गाइस अभी पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और ले पॉपकॉर्न, ले पॉपकॉर्न। गाइस भीड़ दिखाता हूं, देखो पहले, अब हमारे देखो हमने चप्पल वगैरह उतार दिए, जूते वगैरह सारे बेचे हैं सारे, और आपको दिखाते हैं ये डीलर। तो गाइस ये डीलर है, यहां पे गाड़ी बेचे गए, भीड़ देखो आप कितनी है, देखो ये है सेकंड पार्किंग, और अभी चल रहे हैं हम, जूते वगैरह तो हमने उतार दिए हैं गाड़ी में, और अभी चलते हैं तीनों के वाइट कुर्ते पजामे। चलो चलते हैं,
अब यहाँ पे हम जाएंगे फ्री ऑटो में, ये सारे फ्री चल रहे हैं, ये वाले हैं, ये हैं। अभी चलेंगे हम इन ऑटो में और फिर चलते हैं अंदर। भीड़ दिखाता हूँ आज मैं आपको कितनी है और कितने बंदे आए हुए हैं यहाँ पे। गाइस तो ऑटो में बैठे हैं, मैं दिखाता हूँ तीनों भाई कहाँ बैठे हैं। ये बैठे तीनों स्कॉर्पियो वाले बंदे, हम बैठे हैं ऑटो में, ये जो फ्री सेवा है। तो गाइस सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, मैं और रजत भाई बैठ चुके हैं, पीछे और अभी दिखाता हूँ मैं कितनी भीड़ है। भीड़ देखो ये मार्केट है, कितनी भीड़ है। मेन गेट गाइस, मेन गेट ये वाला, ये देखो गया, वो तो प्रसाद ले लिया। ये सारे भीड़ देखो, गाइस लंगर लुंगर चक के आ गए थे और अभी अंदर वीडियो अलाउड तो नहीं थी, बट मैंने पिछली बार वीडियो तो बना ली थी थोड़ी थोड़ी सी। अब मैं आपको यहाँ पंडाल में दिखाता हूँ कितनी भीड़ है, और रात को शो है यहाँ पे जितने सारे सिंगर वगैरह आएंगे। गाइस मैं थोड़ा सा आपको भीड़ वगैरह दिखाता हूँ कितनी है। हम VIP एंट्री में बैठे हैं अभी, देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे और पीछे भी। अभी तो फिर टीवी रात को मिलूंगा, अभी जब शो स्टार्ट होएगा भाई। बाय, सात बज चुके हैं और हम बैठे हैं, दो घंटे हो गए, दो घंटे से बैठे थे और अभी आए, अभी गाएंगे यहाँ पे, कव्वाली वगैरह होएगी और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन आया अभी। और मैं गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे ऊपर देखो पंखे, कितने बड़े पंखे लगे हुए हैं पंखे देखो। और मैं बाकी आपको स्टेज की वीडियो दिखाता हूँ, पंखे देखो गाइस कितने बड़े हैं। स्टेज देखो आप, तुहाड़ियां तालियां बाबा मुराद शाह सरकार ने अपनी झोली च पा लिया, खुल के बजाओ तालियां। आप सबनों एक बार फिर
साईं गुलाम शाह सरकार जी दे मेले दियां बहुत बहुत मुबारकां, खैर मुबारकां। तवरी साऊंगा हकीकत पेश कर रहा हूं। दर पे जाना छोड़ दिया, दर पे जाना छोड़ दिया, हम है दीवाने तेरे, ए हम है दीवाने तेरे, लाडी शाह बाबा तेरी खातिर जमाना के खुश नसीब है सारे, अरे जो ना गोदराते हैं, खुश नसीब है सारे, जो ना गोदराते हैं, खुश नसीब है सारे, मेरे सर पे तेरा जो रहा
अगर कोई गुस्ताखी होगी तो माफ कीजिएगा, कि मेरा ये मानना है कि फनकार अपने खत में जब मजबूर हो गया उस्ताद हयात निजामी सिकंदराबाद दिल्ली घराना कहते हैं कि फनकार अपने खत में जो मजबूर हो गया अल्लाह के करम से बहुत दूर हो गया। नेक्स्ट डे गाइस तो रात को आ चुके थे होटल से और लेट हो गए थे, क्वाली वगैरह थी कल तो, और हमने फिर रात को लेट आए और फिर हमने ये होटल लिया था यहाँ पे होटल रॉयल ड्यूक। बैग बुक सारे रख लिए हैं, चिराग आ रहा अंदर से और अभी चलते हैं। हम रुके थे जालंधर होटल में इसमें, और अब चलते हैं वहीं उधर दोबारा प्रसाद लेके फिर आज हम घर चले जाएंगे। चलो भाई चलते हैं। मेला हो चुका है खत्म और भीड़ दिखाता हूँ कितनी है, देखो तो गाइस नकोदर से निकल चुके थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए वीडियो वगैरह नहीं बना पाया, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और हमने प्रसाद वगैरह लेके फिर निकल चुके थे। मैं थक गया था इसलिए मैं सो गया था गाड़ी में। और गाइस अभी जा रहे हैं हम घर और अभी चाय वगैरह पी के फिर घर निकलेंगे, और अभी टाइम हो चुका है 5:46 हो गए हैं। चलो मैं मिलता हूँ आपको घर जाके गाइस, बाय।